नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने रोमन गॉड्स के ऊपर केवल कहानियां सुनी हैं, कभी उनको देखा नहीं, लेकिन हाँ, मैंने इस 23 वर्षीय भारतीय एथलीट को जरूर देखा है। लंबे बाल और छरेरे शरीर के साथ जब वो हाथ में भाला लिए दौड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खुद भगवान शिव अपना त्रिशूल लिए दौड़ रहे हों। नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा, 4 राजपुताना राइफल्स का एक JCO, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित भारतीय फौज का एक एथलीट, और कोई ऐसा वैसा एथलीट नहीं बल्कि ट्रैक एंड फील्ड श्रेणी में भारत के इतिहास का पहला ओलंपिक गोल्ड लाने वाला एथलीट। नमस्कार, जय मां भारती। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 के दिन हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित खांद्रा नामक एक गांव में हुआ। पिता सतीश कुमार खेती बाड़ी किया करते थे और माता सरोज देवी घर संभालती थी। बचपन में बेहद शरारती रहे नीरज को गांव के दूसरे बच्चे चिढ़ाते बहुत थे, उसका वजन जो बहुत ज्यादा था। 12 साल का होते होते नीरज पूरे 90 किलो का हो गया था और इसीलिए उसके यार दोस्त उसे सरपंच सरपंच कहकर चिढ़ाया करते थे। हालत ये हो चुकी थी कि अब पिता सतीश कुमार को अपने बेटे का यह बढ़ता वजन बहुत ज्यादा खटकने लगा था और इसीलिए वो उसे मदलौदा के एक जिम में जबरदस्ती भर्ती करवा देते हैं। अब मदलौदा के इस जिम में जाकर कसरत करने के लिए नीरज को रोजाना 48 किलोमीटर साइकिल खींचनी पड़ रही थी, 24 किलोमीटर जाने के लिए और 24 किलोमीटर वापस आने के लिए। लेकिन चंचल नीरज का मन इस जिम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि यहां के ज्यादातर मेंबर्स उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़े थे और इसी बात की शिकायत वो रोज वापस आकर अपनी मां से किया करता था। और माता सरोज देवी बड़े ही प्यार से उसकी इस शिकायत को पिता सतीश के सामने रख दिया करती थीं। नीरज की इन्हीं शिकायतों के चलते उसके पिता उसको मदलौदा से निकाल पानीपत के एक जिम में डाल देते हैं। इस समय सतीश कुमार को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था, लेकिन उनका यह निर्णय नीरज समेत उनके पूरे परिवार, उनके परिवार क्या पूरे गांव, जिले, राज्य, यहां तक कि समूचे देश की किस्मत बदलने वाला था। इस जिम से थोड़ी ही दूरी पर पानीपत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कैंपस बना हुआ था और इस कैंपस में नीरज का आना जाना शुरू हो जाता है। यहाँ SAI में अलग अलग प्रकार के खेल खेलते एथलीट्स नीरज को काफी आकर्षित करने लगते हैं। अपने जीवन में पहली बार इस किशोर को पता चलता है कि इस दुनिया में क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा और भी कई खेल हैं, खेल जिनको पूरी गंभीरता के साथ खेला जाता है। अब नीरज का ज्यादातर समय अपने जिम की जगह स्पोर्ट्स अथॉरिटी में बीतने लगता है। वो रोज अपने जिम से निकल SAI आ जाता और बड़े ही शौक से एथलीट्स को ट्रेनिंग करते हुए घंटों घंटों देखता रहता। ऐसे ही एक दिन वो देखता है कि कुछ एथलीट्स भाले जैसी दिखने वाली एक रॉड को जितना हो सके उतना दूर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। ना जाने क्यों, लेकिन ये खेल उसका मन हर लेता है और अब वो घंटों घंटों मंत्रमुग्ध हो इन एथलीट्स को भाला फेंकते हुए निहारने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब ये एथलीट्स अपनी प्रैक्टिस से ब्रेक ले रिफ्रेश हो रहे थे, थोड़ी सी हिम्मत जुटा नीरज इनके सामान के पास जाता है और यहां रखे भालों में से एक भाला उठा लेता है। इस भाले को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह निहारता है और फिर इन एथलीट्स की ही नकल करते हुए उनके मार्ग पर जाता है। कुछ मीटर दौड़ लगाता है और फिर अपनी पूरी जान लगाते हुए इस भाले को हवा में उछाल देता है। इस लड़के को ऐसा करते देख एक एथलीट चिल्लाता है, ओए लड़के क्या कर रहा है, चल भाग यहां से। ये सुन नीरज बुरी तरह घबरा जाता है और उल्टे पैर वहां से भागने लगता है कि तभी उसके लिए पीछे से एक और आवाज आती है, आवाज जो उसका जीवन और भाग्य दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ए लड़के रुक जरा, इधर आ। इस आवाज को सुन और ज्यादा डर चुका नीरज वापस मुड़ता है तो उसको आवाज मार रहा है आदमी उससे कहता है,
डर मत बेटा मेरे पास आ, नाम क्या है तेरा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जैकेट पहने आदमी पूछता है तो नीरज अपना पूरा नाम बता देता है। कुछ और इधर उधर के सवाल करने के बाद ये आदमी नीरज से आगे पूछता है, बेटा इस खेल का नाम जानता है तू? नहीं सर जी। इस बच्चे का ये जवाब सुन वो आदमी आगे कहता है, अच्छा एक बात बता, वो जो भाला तूने फेंका था वो कितनी दूर जाके गिरा होगा? डरा हुआ नीरज एक बार फिर से वही उत्तर देता है, मुझे नहीं पता सर जी, मैं तो बस ऐसे ही ट्राई करके देख रहा था। थोड़ी देर तक नीरज का मुंह ताकने के बाद ये आदमी उससे कहता है, बेटा इस भाले को जेवलिन कहते हैं और इस खेल को जेवलिन थ्रो। अभी तूने जो थ्रो की थी वो 40 मीटर की थी, यानी कि भाला 40 मीटर दूर जाके गिरा था। छोटे से इस बालक के कंधे पर हाथ रखते हुए ये आदमी आगे बोलता है, बेटा मेरा नाम जयवीर सिंह है, मैं यहाँ जेवलिन थ्रो का कोच हूँ और आज से मैं तुझे ट्रेन करूंगा। जयवीर सिंह के अंडर एक साल ट्रेनिंग करने के बाद नीरज पंचकुला स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एडमिशन ले लेता है, जो उसके घर से 4 घंटे की दूरी पर था। यहाँ पंचकुला में नीरज को ट्रेन करने का जिम्मा उठाते हैं कोच नसीम अहमद। अहमद नीरज को जेवलिन थ्रो के साथ साथ लंबी दूरी की दौड़ में भी ट्रेन करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में नसीम अहमद नीरज के बारे में कहते हैं, नीरज अपने वरिष्ठ एथलीट से खूब सवाल करता था और उनसे मिलने वाली टिप्स और जानकारी को अपनी एक डायरी में नोट करता रहता था। पंचकुला की एकेडमी में नीरज की शुरुआती थ्रोज 55 मीटर की थी, लेकिन अपनी कड़ी लगन और मेहनत से वो बहुत ही कम समय में अपनी इस रेंज को बढ़ा लेता है और 2012 में 68.4 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो के साथ लखनऊ के जूनियर नेशनल्स को जीत लेता है। अगले साल यानी के 2013 में नीरज अपने जीवन के पहले अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन जाता है और केवल एक साल बाद बैंकॉक में हुए यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में अपने करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल भी जीत लेता है। इसी साल सीनियर नेशनल्स में नीरज अपने करियर की सबसे लंबी 70 मीटर थ्रो भी करता है और इसके बाद 2015 के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट में 81.04 मीटर की थ्रो के साथ जूनियर कैटेगरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेता है। नीरज की ये लगातार ऊपर जा रही परफॉर्मेंस ही कारण थी कि 2015 का अंत होते होते उसे नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेशनल कैंप में आने के बाद नीरज कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता और इसी साल यानी के 2016 में इंडियन आर्मी उसे नायब सूबेदार के पद पर JCO अपॉइंट कर देती है और इसके बाद तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉम्पिटिशन्स में मेडल जीतने की एक झड़ी सी लगा देता है। 2016 के साउथ एशियन गेम्स में 84.23 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल और इसी साल हुई IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में भी नीरज देश के लिए गोल्ड मेडल जीतता है, लेकिन ऐसी धुआंधार परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी कट ऑफ डेट मिस करने के कारण वो 2016 के समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। ओलंपिक्स मिस होने के कारण नीरज थोड़ा निराश तो था, लेकिन अपनी इस निराशा को वो हताशा नहीं बल्कि आशा में बदल लेता है और 2017 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 85.23 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड जीतता है। इसके बाद 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाते हैं और यहां भी अपने पिछले मार्क के परखच्चे उड़ाते हुए 86.47 मीटर की थ्रो के साथ डेब्यू कर रहा ये एथलीट अपने देश के लिए सोना ही लाता है। के एशियन गेम्स में डेब्यू कर रहे नीरज चोपड़ा को भारतीय कंटिंजेंट के लिए फ्लैग बेरर भी बनाया जाता है। 27 अगस्त 2018 के दिन जकार्ता के कार्नो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बार फिर नीरज अपने पिछले रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा देता है और 88.06 मीटर की थ्रो के साथ अपनी डेब्यू अपीयरेंस में देश के लिए एशियन गेम्स का पहला एथलेटिक्स गोल्ड मेडल अर्जित कर लेता है। यही कारण था कि 18 वर्षीय नीरज चोपड़ा को AFI द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन खेल रत्न मिलने में शायद अभी थोड़ा समय था। सितंबर 2018 में भारत सरकार पानीपत के नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करती है। अब नीरज के सामने केवल एक ही लक्ष्य था, ओलंपिक्स में भारत के तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराना, देश के लिए ओलंपिक गोल्ड जीतना। ओलंपिक्स को अपना ध्येय बना नीरज दिन रात कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है, लेकिन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग कंपटीशन शुरू होने के अगले दिन ही नीरज की कोहनी में एक अत्यंत गंभीर चोट लग जाती है।
मई 2019 में नीरज अपनी कोहनी की सर्जरी कराने के लिए मुंबई जाता है और फिर अगले 16 महीनों तक पटियाला और IIS विजयनगर में रिहैब प्रैक्टिस और मेडिटेशन करने में लगा रहता है। वो अच्छे से जानता था कि यदि उसकी कोहनी पूरी तरह ठीक होने में 19-20 का भी फर्क रह गया तो वो शायद देश के लिए गोल्ड नहीं जीत पाएगा और ये विचार मात्र ही उसको रातों को सोने नहीं दे रहा था। इसी के चलते नवंबर 2019 में नीरज जर्मन बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट क्लॉस बर्टोनीस के अंडर ट्रेनिंग करने के लिए साउथ अफ्रीका चला जाता है और साउथ अफ्रीका में ही हुई ACNW लीग मीटिंग में 87.86 मीटर की थ्रो के साथ धमाकेदार वापसी करता है। नीरज की यही थ्रो उसे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई करवा देती है। इसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास के पन्नों में मेहनत की स्याही और सोने की कलम से लिखा ही जा चुका है। 7 अगस्त 2021 के दिन 23 साल के इस लड़के ने हर भारतीय का मस्तक पूरी दुनिया में गर्व से ऊंचा कर दिया। ओलंपिक में गोल्ड जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, लेकिन ओलंपिक के डेब्यू में गोल्ड जीतना बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि। दोस्तों, नीरज चोपड़ा इस देश का युवा है, उसने इस देश की धरती पर जन्म लिया है और इसीलिए मुझे इस देश की मिट्टी पर अपार गर्व है। नीरज चोपड़ा की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमारे सामने हमेशा दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक ऐशो आराम से भरा आसान रास्ता और दूसरा कंटकों से भरा मुश्किल रास्ता। आसान रास्ते पर चलकर हम धन दौलत तो कमा सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं। नीरज चोपड़ा इस देश के बच्चों और युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आइडल होना चाहिए। आज भारतीय युवा के सामने नीरज चोपड़ा भी है और उमर खालिद भी। एक इस देश के तिरंगे को पूरी दुनिया में ऊंचा करके लहराता है और दूसरा इस तिरंगे का अपमान करने का, इसको गाली देने का कोई मौका नहीं छोड़ता। निर्णय आपको करना है कि आप किसके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। इन दोनों में से अपना आइडल आपको खुद ही चुनना है।